सुपर स्ट्राइकर्स ने दो गोल कर लिए हैं और गोली बॉय कब से बिना कुछ किए ही खड़ा है। मैच नकामा, अभी सुपर स्ट्राइकर्स के इलाके में है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेंडा, वहाँ ब्लॉक है। पर अगर उसने टैकल को नहीं संभाला तो पेनल्टी पक्की है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लॉक सुपर लीग का सबसे ईमानदार टैकलर है। बहुत अच्छे ब्लॉक, बहुत मजा आया। सब ध्यान से सुनो, पता चला है रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जीबिशन अगले हफ्ते होने वाला है प्रोफेसर। और हमने सोचा कि इस साल हम कुछ खास करें, इसीलिए मैंने बनाया है एक रोबोट। तुम में से किसी का? जरूर जो का होगा, उससे अच्छा रोबोट डांस कोई नहीं कर सकता। वो मेरा ही होगा, जब महान फाइटर यहाँ है तो किसी और का रोबोट भला क्यों बने। पेश है रोब्लॉक। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। टोनी, आप इस टिन के डिब्बे को हमारे साथ क्यों लाए हो? क्योंकि एक यही है चिप्टी चकरसन जो मुझे एक इनाम जिताने वाला है। मतलब गेम सुपर स्ट्राइकर्स के साथ? चिप और तुम सब में एक और अलग बात ये है कि ये वाकई में चीजें सीख सकता है। मूवी स्टार को कॉपी करो। मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारी सारी चीजें। मैं कुछ समझा नहीं टोनी। ये मुझे जिताएगा रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जिबिट में इनाम। आयरन टैंक अपने आप में ही अच्छे रोबोट्स हैं। फाउल नहीं, खेलते रहो, फाउल नहीं, खेलते रहो। और रोबोटिक्स इन फुटबॉल का ग्रैंड प्राइज जाता है यस यस रोब्लॉक। ब्लॉक, एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए? चाहो तो मैं ट्रांसलेट करूं, मैं ब्रिजलोवियन सीख रहा हूं। मुझे अपने रोबोट ट्विन के बारे में बताओ। दरअसल शरीर से रोब्लॉक मेरी एक हूबहू नकल है। वो उस रोबोटिक बुद्धू को कैसे इनाम दे सकते हैं? वो तो सिर्फ एक बेकार नकल है। तो ये फुटबॉल कैसे खेलता है? मुझे नहीं पता। प्रोफेसर कहते हैं कि रोब्लॉक के खिलाफ खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो बना है स्टील और हाइड्रोलिक से। कही तो ये स्ट्राइकर लैंड में क्या काम करेगा? स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग की सबसे महान टीम का। एक टूर गाइड, तो तुम्हारे मुताबिक इस हफ्ते कौन जीतेगा, सुपर स्ट्राइकर्स या टेक्निकली? मेरे ख्याल से अगले गेम में सुपर स्ट्राइकर्स की ही जीत होगी। ओह अच्छा, ब्लॉक अभी मुझे पूरी तरह से ब्रिजलोवियन भाषण नहीं आती है, पर अगर मेरी मानो तो लीना, मुझे बस एक गोल करना होगा और बाकी का काम ब्लॉक संभाल लेगा। अगर मैं ब्लॉक को सब संभालने दूंगा तब ना, ब्लॉक को कॉपी करो। ब्लॉक करो। ब्लॉक करो। अब बस मुझे कोई रास्ता निकालना है तुम्हारे प्रोसेसर को उस बेकार टिन के डिब्बे में डालने का। रुक जाओ, रोबोटिक्स का पहला नियम पानी मना है, पानी तुम्हारा सिस्टम खराब कर देगा। पर तुमने मुझे एक आइडिया दे दिया है। वो टेक्नोलॉजी तो हमने पहले ही इन्वेंट कर ली थी, अब देखते हैं उस पर और काम चल रहा है। हाँ, पता नहीं क्या होगा। पानी, रोब्लॉक को यहाँ से बाहर निकालो। जाओ जाओ चिप जाओ। Oh,
कि रोबोटिक्स इन फुटबॉल एग्जिबिट को सारे रोबोट्स के साथ ही बंद कर दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, उसने तो अब तक ना कुछ देखा था ना ही किया था। प्रोफेसर, वो सच में बड़ा ही कमाल का रोबोट ब्लॉक था। अगर देखा जाए तो मुझ जैसा अच्छा दिखने वाला रोबोट बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता। बहुत गलत हुआ। स्मगल फ्लेयर, सारे रोबोट पार्ट्स हटा दो, एंटिन के डिब्बों को कबाड़ खाने भेज दो। यस, बात बन गई। और जब तक सुपर स्ट्राइकर्स को एहसास होगा कि वो एक रोबोट के साथ खेल रहे हैं, उनकी आधी टीम जख्मी हो चुकी होगी। चलो अब रोबोटिक्स एग्जिबिट को भूल जाते हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता इससे हमारे टेक्निकली वाले गेम पर असर हो। अब काम शुरू करो। ये क्या फाइटर? मेरी तैयारी पूरी तरह से दिमागी होगी कोच, मुझे ये याद दिलाकर कि मैं कितना कमाल का हूँ। हे ब्लॉक, मेरे ख्याल से मेरी सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंडर के सामने खेलकर। तुम तो मेरा पैर तोड़ने वाले थे। तुम्हें हुआ क्या है? तुम अलग लग रहे हो। मैं वहां ट्रेनिंग करता हूं जिससे मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। सुपर स्ट्राइकर्स रोबोट से जख्मी होने के लिए बहुत ही तेज और काबिल हैं, पर मेरे प्लेयर्स नहीं। जॉन जे जॉनसन जूनियर। हाय टोनी। मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रेटजी तैयार की है। वो क्या है? भागना। उसमें क्या, फुटबॉल खेलते वक्त हम चलते थोड़ी ना है। उनका मतलब है अच्छी तरह भागना। मैं चाहता हूँ तुम भागते हुए ब्लॉक के सामने जाओ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। क्या इसमें खतरा नहीं होगा? फील्ड पर रोब्लॉक होगा तो सुपर स्ट्राइकर्स को मिलते जाएंगे कार्ड्स और टेक्निकली को मिलेंगी पेनल्टी किक्स। मैं हूँ रोब्लॉक, मतलब रोबोट ब्लॉक। अब देखो कैसा कमाल होने वाला है। स्ट्राइकर लैंड में स्वागत है, जो घर है सुपर लीग ट्रॉफी का। अब अपना टूर शुरू करते हैं। ठीक है बॉयज, आज के लिए इतना काफी है। अब ब्लॉक बनो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम अलग लग रहे हो। हे ब्लॉक, आ रहे हो? शूट रिलैट। हाँ, ब्लॉक को कुछ हुआ है? उसका खेल अजीब है, बोली अजीब है। वैसे शेख मेरे दोस्त, ऐसा कह रहे हो जैसे तुम ब्रिजलोवियन के एक्सपर्ट हो। हाँ दोस्त, तुम तो सीख रहे हो ना। कैसेट टेप्स। हाँ, ब्रिजलोविया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। गबलजर्ट ग्लार्क बजॉर्क, अब तुम ये कहो। गबलजर्ट ग्लार्क बजॉर्क। हाँ, मुझे याद है। अब कहो जर्क मगर्ब ब्लगल स्ट्रगल ब्रगल स्ट्रगल। हे, ठीक है, टेप छे। हाँ, अजीब है, छे से नौ की टेप्स कहाँ हैं? क्या तुम तैयार हो ब्रिजलोवियन सीखने के आखिरी लेवल के लिए? चलो शुरू करें। रॉरल ग्लैड जुजांगल क्रैब ब्लू चुराज बर्कल। रॉरल ग्लैड जुजांगल क्रैब ब्लू चुराज बर्कल, पता है। मेरी ब्रिजलोवियन खराब नहीं है, तो फिर ब्लॉक को क्या हुआ है? अब आगे। टेप्स। ब्लॉक। स्ट्राइकर लैंड में सिखाया जाता है कभी हार ना मानना। स्ट्राइकर लैंड में मैच का दिन आ गया है। आप चाहे जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो,
फुटबॉल के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल ही सकते हो। सुपर स्ट्राइकर्स काफी अच्छे फॉर्म में है, पर चकती चिपरसन भी तैयारी के साथ आया है। ब्लॉक को आज बहुत ही अच्छा खेलना होगा मैच। वो तो खेलेगा ही ब्रेंडा, वो भरोसेमंद है, हमेशा सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए हाजिर रहता है। और ब्लॉक, तुमसे बात करनी है। जर्गल पर्पल ग्रब, रॉजल ग्रुनलॉक, ग्रो ग्रुनलॉक फॉर बम्बल। कह रहा है कि हाल ही में इस पर काफी प्रेशर रहा है। वाव शेख, तुम्हारी ब्रिजलोवियन वाकई सुधर गई है दोस्त। बिल्कुल सही कहा। ब्लॉक, मुझे पता है कुछ हुआ है। तुम्हारा गेम, तुम्हारी ब्रिजलोवियन, लगता है जैसे तुम कोई और ही हो। ग्रुजल ब्लॉगर रैप्सिको। क्या कहा तुमने? ग्रुजल ब्लॉगर रैप्सिको। तुमने मेरी टेप्स ली थी, पर तुम्हें ब्रिजलोवियन सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुम ब्लॉक नहीं हो, तुम रो ब्लॉक हो। तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम खेल नहीं सकते, तुम सबको चोट पहुंचाओगे। रो ब्लॉक, मेरी बात सुनो। प्लीज टूर के दौरान अपनी चीजों का ध्यान रखना ना भूले। और अब आ रहा है पिछले हफ्ते का मैन ऑफ द मैच ब्लॉक। वो एक मशीन है ब्रेंडा। मुझे तो लगा था दोनों तरफ से सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलेंगे। क्लाउज, तैयार हो जाओ। ईगल आई, ग्रेज, शेक को ले आओ। मुझे क्या करना है? सीधे ब्लॉक की ओर भागना है। और गेम शुरू हो गया। क्या बात है, दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है। कोई भी बॉल को दूसरे के पाले में जाने नहीं देना चाहता। वो टेक्निकली वाले ब्लॉक का सामना करने के लिए कम से कम अपना नंबर वन स्ट्राइकर तो भेज देते। ब्लॉक तो ऐसा नहीं था। यस, मेरा मतलब वो क्या था? ऐसे थोड़ी ना खेला जाता है। ठीक से खेलो ब्लॉक, ऐसा फिर से किया तो तुम्हें कार्ड मिल जाएगा। शेक, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कहां चला गया? अच्छा डिफेंस। आज का खेल देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ब्लॉक एक ईमानदार खिलाड़ी से एक भयानक आतंक बन गया है। रेफरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे मिला येलो कार्ड। वो अपनी सालों की रेपुटेशन बस एक ही गेम में बिगाड़ रहा है। प्लीज दूर मत जाइए। क्या किसी को रेस्टरूम जाना है? सीढ़ियों से सीधे जाइए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर से राइट और फिर सीधा। अब आगे आएगा स्ट्राइकर लैंड स्पा, है ना ये आपकी लग्जरी? चलो दोस्तों, सभी अच्छी चीजों का अंत तो होता ही है। आपको और देखना है, आइए हमारे इस कमाल के टूर के आखिरी हिस्से में। और इस डिफेंडर के लिए मामला और बिगड़ गया है, टेक्निकली को मिली पेनल्टी। ब्लॉक को जल्द ही ठीक से खेलना होगा, वरना उसे निकाल दिया जाएगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है स्ट्राइकर लैंड गैराज। गोल!
शुरुआत ब्रेंडा टेक्निकली ने पहला गोल बना लिया और इसकी जिम्मेदार है ब्लॉक की बेहद ही खराब परफॉर्मेंस। किसने सोचा था ऐसा होगा? पहले हमारा स्ट्राइकर गायब हुआ, अब एक डिफेंडर है जिसका दिमाग गायब हो गया है। शेख, किसी को पता ना चले मैं यहाँ अंदर हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रूप ब्लॉक है। हाँ, और मैं हमेशा लॉकर्स में छिपे लोगों की बात मानता हूँ। उसी ने मुझे यहाँ डाला। अगर उसे पता चला तुम सच जान गए तो तुम्हें भी डाल देगा। तुम कैसे भी उसे यहाँ से भेज दो। ब्लॉक, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ओ, मुझे पता है क्या कहा। ब्लॉक को नहाने के लिए जाना है, है ना ब्लॉक? वैसे तुम कब से ब्रिजलोवियन बोलने लगे? मैं तो नाइट क्लासेस जा रहा हूँ। वो ब्लॉक नहीं है, वो रो ब्लॉक है। क्या कह रहे हो तुम? वो खतरनाक टैकलिंग, अजीब सी भाषा, अकड़ भरी चाल। चलो अभी पता चल जाएगा मैं सही हूँ या गलत। वो कैसे शेख? रोबोट्स नहाते नहीं हैं। तो अगर वो रो ब्लॉक है तो फिर ब्लॉक कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर सबसे बेहतरीन गाड़ियां ही चलाते हैं। लो, वो रहा हमारा टूर गाइड। किसी ने रोबोट्स के प्रोसेसर्स को बदल दिया है। शेख, तुम सही थे दोस्त, पर ब्लॉक कहाँ है? वो ब्लॉक, छोड़ो उसे। ब्लॉक अज़राल। ये कह रहा है हमें सेकंड हाफ के लिए जाना चाहिए, वरना हमें हार माननी पड़ेगी। फिक्र मत करो, ये उसे संभाल लेगा। अब हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने उसे बदला नहीं। लगता है तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, जॉन जे जॉनसन जूनियर। ब्लॉक, तुमने कर दिया। शायद सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत ज्यादा धक्का खेलना होगा। वैसे कोच को ब्लॉक के बदले किसी और को भेजना चाहिए था, वही तो उन्हें हरा रहा है। लग रहा है ब्लॉक आज जॉन जे जॉनसन जूनियर को पूरी तरह सक्रिय करके ही रहेगा और फिर उसे जरूर मिलेगा एक रेड कार्ड। ये हुई ना बात, ये है असली ब्लॉक। जानदार, शानदार, ईमानदार। मैं ज्यादा ही होशियार हूँ, मेरा इन्वेंशन तो लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर जैसा खेलना सीख गया। सॉरी टोनी, तुम गलत हो, कोई भी ब्लॉक की तरह नहीं खेल सकता। ब्लैडल जोटल, ग्रब ब्लॉक जोगल। ओ, नहीं, नहीं। ब्लॉक ने पास किया कैप्टन रास्ता को और जो की बेहतरीन किक और फाइटर ने किया गोल। एक और गोल। वाह, गेम ने क्या रुख बदला है। फर्स्ट हाफ में ब्लॉक को जो भी तकलीफ थी वो अब जा चुकी है। क्या बात है दोस्त। और तुम्हारा वो डरावना ट्विंक कहाँ है?
मैं किनारे पर लटक रहा था, रोब्लॉक मुझे गिराने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरा नया रोबोट दोस्त। और शुरू करते हैं हमारे टूर का आखिरी हिस्सा। टड़ा। शायद अगली बार प्रोफेसर को मुझ जैसा दिखने वाला रोबोट बनाना चाहिए। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी रोबोट्स ही हैं? कम ऑन, कम ऑन। उसने नकामा मिडफील्ड को पार कर लिया, गेम खत्म होने से पहले आखिरी मौका। शेक, तुम अब तक उस गेम से बोर नहीं हुए? और नहीं तो क्या डूड, हर बार ये एक जैसा ही तो होता है। न जाने तुम उसे खेलते ही क्यों हो दोस्त। तुम भला नकली फुटबॉल क्यों खेल रहे हो जबकि कल नकामा के खिलाफ हमारा असली मैच होने वाला है। सुपर लीग 3000X बिल्कुल असली फुटबॉल जैसा ही है जो। सॉरी शेक, गेम्स में मुझे दिलचस्पी नहीं। बॉल उसके हाथ से निकल गई, मौका चूक गया। बॉल उसके हाथ से निकल गई, मौका चूक गया। तुम हार गए। ये थोड़ा पुराना हो गया है, पर सुना है नया वर्जन बहुत ही अच्छा होने वाला है। कमाल के ग्राफिक्स और बिल्कुल असली जैसे साउंड इफेक्ट्स। और हाँ, दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर्स भी। जल्द आ रहा है सुपर लीग 4000X। वाओ, सुपर स्ट्राइकर्स, क्या बात है, लगता है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। मैं हूँ एलेक्स, मैं SL 4000X के लिए तुम सबके मूव्स मोशन कैप्चर करने वाली हूँ। हाय एलेक्स, मैं हूँ शेक। सुपर कूल, मैं तुम्हें ये कूल है और हम भी, हम सब एक टीम हैं। इसने ऐसे ही कहा। सॉस, मेरा मतलब है सॉरी, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ बात कैसे करते हैं। वहाँ बाहर तुम सब टूर के लिए तैयार हो? यो 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 यो, ये तो है अंकुल जो। यहाँ कोई अजीब सी बदबू है या फिर पिंग पोंग की स्मेल है? उसे टेबल टेनिस कहते हैं बच्चे। तो लगता है तुम एक दूसरे को जानते हो। हे दोस्तों, मिलो चिल जॉन से, ये दुनिया का नंबर वन पिंग पोंग प्लेयर है। टेबल टेनिस ये जो कुछ भी जानता है, हाँ, इसका हर एक मूव लिया गया है इस नाचीज से। ओह प्लीज, मैं उन बिगिनर टेक्निक से आगे आ गया हूँ। मैं हूँ नया राजा स्पिन का। तुम्हारा स्टाइल बासी हो गया जो, और साथ ही पुराना भी। टूर शुरू हो रहा है, तुम लोग आ रहे हो? सबसे पहले होते हैं कोडर्स, सुपर इंटेलिजेंट दिमागी कीड़े जो गेम्स बनाते हैं। फिर टेस्टर्स बस सारा दिन गेम्स खेलते हैं और चॉकलेट खाते हैं। कूल, मेरे लिए जगह खाली है। यहाँ पर है हमारा साउंड स्टूडियो, असली सुपर लीग प्लेयर्स और कोचेस SL 4000X को अपनी आवाजें दे रहे हैं। हाँ, अच्छा किया, 3000 के साउंड इफेक्ट्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। गेम खत्म, तुम हारे। गेम खत्म, तुम हारे। ठीक है, अच्छा तो हो रहा है, पर क्या आप इसमें थोड़ा सा और जोश डालेंगे, थोड़ा जोशी? क्या? अब तुम्हारे लिए बंदर बन जाऊं क्या? फिक्र मत कीजिए, बस हो ही गया। टेक 346, गो। मुझसे नहीं होगा। और आखिर में वो जहां असली जादू होता है। सुपर स्ट्राइकर्स। मोशन कैप्चर स्टूडियो में ही तुम्हारे मूव्स की हर एक बारीकी को कैप्चर करते हैं। हर एक बारीकी है? यस यस, बहुत अच्छे, कमाल है। फिर से कीजिए, पर इस बार जरा माइक्रोफोन में कीजिएगा, ठीक है? स्वागत है मोशन कैप्चर स्टूडियो में। तुम्हारे
हमारी सूट्स पर लगे सेंसर्स की पोजीशन और मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है स्पेशल कैमरा से और सारी जानकारी डाली जाती है इस कंप्यूटर में। एलेक्स, तुम ये सब मोशन कैप्चर मत करना, ठीक है? फिक्र मत करो, मुझे तो बस कैप्चर करने हैं सुपर स्ट्राइकर्स के सारे क्लासिक मूव्स। जो तुम्हारी बारी। मुझे तुम सबसे कितनी बार कहना पड़ेगा, मुझे वीडियो गेम्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। पर ये गेम पूरा नहीं होगा बिना स्पिन के चार अंदाज के। मुझसे नहीं होगा दोस्त। कम ऑन। ठीक है मैं करता हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं वो आज तो कॉस्ट्यूम डे भी नहीं है, है क्या? नहीं। ओह, मैं गलत दिन पर आ गया उल्लू की तरह। कोई बात नहीं, तुम कमाल दिख रहे हो, कॉस्ट्यूम अच्छी है। ओह थैंक्स। हे, अदला बदली करना चाहोगे? सच्ची सच्ची मतलब सच्ची 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 मतलब सच्ची। तैयार हो जाओ स्पिन के चार अंदाज के लिए। लेफ्ट स्पिन, राइट स्पिन, बैक स्पिन। वो बॉल को ऐसे कैसे स्पिन कर लेता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सारे मूव्स गेम प्ले में कमाल के लगेंगे। टॉप स्पिन। इसे मैं करूंगा। ठीक है, इसे तुम ही कर लो। ओ जो, तुम्हारे क्रॉसेस तो कमाल के हैं। थैंक्स डियर। और तुम लोगों को कैसे पता चलता है बॉल कहाँ जाएगी? प्रैक्टिस का कमाल। मतलब कि प्रैक्टिस का कमाल। SL4000X कमाल का होने वाला है। तुम सबने मेरा काम आसान कर दिया। तुम सबने मेरा काम आसान कर दिया सुपर स्ट्राइकर्स। तो ध्यान से देख लो जो के स्पिन के चार अंदाज। उन्हें जानो, उन्हें पहचानो, उन्हें रोको। वो हमेशा इन्हीं चार में से कोई एक करेगा। अब होने वाला है उन सुपर स्ट्राइकर्स का सर स्पिन। अब मैं सही तरह से हंसा। आज है नकामा और सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला सीधे दशुक स्टेडियम से। ये दोनों मशहूर दुश्मन एक बराबर ही हैं। पर अगर कोई प्लेयर कोई फर्क ला सकता है तो वो है जो। क्रॉसिंग का बादशाह। लो, उसने किया क्रॉस। शीट और फाइटर वही है, क्या उनमें से कोई गोल कर पाएगा? ओ, मीको चैन ने मुंह भांप लिया। लगता है जो को अगली बार सिर्फ मेरी तरफ किक करना चाहिए, है ना? जो की एक और बेहतरीन किक। नकामा का बढ़िया सेव। नकामा काउंटर अटैक करते वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सुपर स्ट्राइकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं पर कोई फायदा नहीं है। नकामा ने पहला गेम जीत लिया। लगता है क्रॉसिंग के बादशाह की हुकूमत ढीली पड़ गई है। तुम हारे सुपर स्ट्राइकर्स। गेम खत्म, तुम हारे।
सुनो जो, क्या है? शायद मुझे पता है नकामा तुम्हारे चारों स्पिन्स कैसे पढ़ पाए। ओ, सच में? कैसे? कल उरागिरी भी उस मोशन कैप्चर स्टूडियो में था। जरा फिर से कहना तो, उरागिरी कहाँ था? I'm sorry, मुझे लगता है उसने तुम्हारे मूव्स देख लिए। मैंने तुमसे कहा था ना, वो सब डिजिटल जूजू, नो इमोशन कैप्चर वायरलेस, किसी भी काम का नहीं है। हे सुनो जो, तुम्हें जरा सोचना चाहिए कि गोल्स ना करने पर मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। इतना सेल्फिश मत बनो, ओके? यहाँ आने के लिए थैंक्स। देखना हम आने वाले मैच में उनसे बदला लेकर ही रहेंगे। कैसे शेख? उरागिरी ने मेरे सारे मूव्स देख लिए, अब वो स्पिन के चार अंदाज सीक्रेट नहीं रह गए हैं। वो बात के दूसरे पहलू को देखो जो, बात इससे ज्यादा नहीं बिगड़ सकती। यो 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 यो, फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए इसे साइन कर दिया है। पैडल पावर? मैंने नकामा को तुम्हें हराते देखा जो, कहा था ना स्पिन का राजा मैं हूँ। पर फिक्र मत करो, शायद तुम कुछ अच्छी बातें सीख लोगे मेरे गेम से। मेरे पास वो स्पिन है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें गेम्स पसंद है ना शेख? तो फिर तुम नए सुपर लीग गेम के आने तक पिंग पोंग क्यों नहीं खेल लेते? टेबल टेनिस बुद्धू। स्पिन जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, लेवल वन, तुम्हारा स्पिन है बेकार। लेवल टेन, बच्चे बहुत अच्छे। लेवल 24, कहीं तुम अगले स्पिन मास्टर तो नहीं? लेवल 36, तुम्हारे मूव्स का तो जवाब नहीं। लेवल 50, oh yeah, नया स्पिन अनलॉक, वो है कॉर्कस्क्रू। yeah! Yes, मुझे पता था मैं कर सकता हूँ। मुझे चिल जॉन से मिलना होगा। क्या यार शेख, कम से कम हाथ तो धो लेते। मदद के लिए थैंक्स एलेक्स। मोशन कैप्चर में मुझसे हुई गड़बड़ी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। यही वो जगह है, पर पता नहीं अंदर कैसे जाएंगे, खासकर इसलिए क्योंकि तुम जो के दोस्त हो। छिप कर जाएंगे और क्या, मैं नहीं चाहता कोई हमें पहचान ले। और ऐसे हम छिप जाएंगे। स्पिन इसी से जो नकामा को हरा सकता है। तो अब कौन आएगा, किसे खेलना है स्पिन के राजा के साथ? शेख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जानना है कॉर्कस्क्रू के बारे में। सच में जो, एक पांचवा स्पिन है और मुझे पता है तुम उसे सीख सकते हो। प्लीज शेख, मैंने पहले ही सबक सीख लिया है, तो मैं भला फिर से तुम्हारी सलाह क्यों मानूंगा? इसकी बात सुनो जो। हाँ सुन लो, हमें वहाँ तुम्हारी जरूरत है, वरना शायद मैं कोई गोल नहीं कर पाऊंगा। जो भी हो, पिछले कुछ दिनों से तो शेख बस पैडल पावर ही खेल रहा है। हाँ, उसी से तो मुझे उस पांचवे स्पिन के बारे में पता चला। वीडियो गेम्स, टेबल टेनिस, चिल जॉन, ये तो वो चीजें हैं जो मैं पसंद नहीं करता। पांचवा स्पिन है, मैंने बनाया है। मैं तो देखने के बाद ही यकीन करूंगा। हाँ।
जल्दी से कॉर्ड स्क्रू सिखाने के लिए हम उसे मोशन कैप्चर करके एनालाइज करेंगे, जैसे कि उरा गिरी ने तुम्हारे मूव्स के साथ किया था। चलो, अगर वीडियो गेम्स ने ही हमें इस मुसीबत में डाला है तो वही हमें इससे बाहर निकालेंगे। बस एक और काम करना होगा। पैडल पावर की तरह ही तुम्हें इस कॉक स्क्रू को भी अनलॉक करना होगा। अच्छा, मैं सबको ये साबित करना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे अच्छा स्पिनर कौन है। मैंने कहा था ना, मैं पिंग पोंग नहीं खेलता। टेबल टेनिस। गोल्स चाहिए जो, मेरे लिए कर दो और हमारी टीम के लिए भी। तुम्हें उसके सामने जो बस एक पॉइंट स्कोर करना होगा। पिछले हफ्ते देखा था ये दोनों टीम्स उतनी एक बराबर नहीं है जितनी हुआ करती थी ब्रेंडा। इसलिए कोच ने एक बड़ा बदलाव किया है। क्लॉस अब लेफ्ट विंग पर खेलेगा और जो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। क्लॉस बॉल को लेकर आगे बढ़ा। क्लाउस की बढ़िया किक। क्लाउस एक कमाल का स्ट्राइकर है। पर दुनिया के सबसे अच्छे लेफ्ट विंगर की जगह ले पाना, ये तो नामुमकिन है। चारों खाने चिट। एक और अच्छी हंसी। यार, जो के होने से स्कोर करना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्त। ठीक है, शायद ऐसा ही कुछ है। फिक्र मत करो दोस्तों, मुझे यकीन है जो ने अब तक एक पॉइंट बना लिया होगा। यो, ये तो बच्चे की तरह खेलता है। अब चलो भी बदमाश कहीं के, इसे तुम्हें हराने दो, बस एक पॉइंट। बिल्कुल भी नहीं फाइटर, मैं ईमानदारी से जीतना चाहता हूँ। अभी ईमानदारी दिखाने का वक्त नहीं है जो, अपने घमंड को भूल जाओ, सिद्धांतों को त्याग दो दोस्त। कभी नहीं। मुझे अपने सिद्धांतों पर ही चलना होगा। मैं शेक की तरह गेमर नहीं हूँ, मैं चिल जॉन की तरह टेबल टेनिस नहीं खेल सकता, मैं एक फुटबॉलर हूँ। कमॉन बात साबित हो गई चिल जॉन, नंबर वन स्पिनर ही हमेशा जीतता है। तुम्हारा जवाब नहीं। यकीन नहीं होता। फुट टेबल टेनिस, कम ऑन। अब अपना वादा पूरा करो दोस्त। सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर, लगता है जो आ गया है और वो आते ही खेलने लग गया है। कम ऑन जो। अगर जो ने वो कॉक स्क्रू कर भी लिया, फिर भी हमें कैसे पता चलेगा बॉल कहाँ जाएगी? प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस नहीं हुई है, राइट? हाँ, और मैंने ये भी देखा है कि कॉक स्क्रू अपनी मर्जी का मालिक है। क्या फायदा है जो, हम तुम्हारे सारे स्पिन्स जानते हैं। और जो बॉल को लेकर आगे बढ़ते हो, और ये बढ़िया डॉज। ठीक है, वक्त आ गया, पांचवा स्पिन आ रहा है, उम्मीद करता हूँ। चारों में से एक बॉल जा रही है खतरे वाले इलाके में, पर उसने तो सबको पार कर लिया। ओ
ये नंबर वन स्पिनर ही हमेशा जीतता है। मैं हार गया। अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया है, ये वाला हमारे काम आएगा। ओ यार, SL4000X का तो जवाब नहीं, मैंने तुम्हें एक बार फिर हरा दिया उरागिरी। मैं हार गया। Hey, दोस्तों, यो 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 यो। आ, शेक, तुम अब भी वो पुराना SL4000X गेम खेल रहे हो? हम दोनों तो मजे ले रहे हैं हमारे नए पैडल पावर वर्सेस सुपर लीग गेम के। स्पिनर टेक्स ऑल, बस अभी अभी एलेक्स ने भिजवाया है। अच्छा लगता है क्या? मैं अभी नहीं दोस्त, मैं अभी बस लेवल 41 तक पहुँचाऊँ। फिर कभी खेल लेना दोस्त। फिर कभी। होटल्स, 200 रेस्टोरेंट्स, 130 दुकानें और साथ ही साथ 150,000 की फैन कैपेसिटी। ये है सुल्तान्स का नया स्टेडियम, द गोलायत। अब हम इनॉग्रल गेम के लिए चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम के पास। थैंक्स लीना। गोलायत स्टेडियम, इसके बारे में क्या कहूँ, बहुत बड़ा है, खचाखच भरा है लोगों और आवाज से। न जाने आज नकामा टीम का क्या हाल होने वाला है। आवाज कम करो, बहरे हो क्या यार, काफी लाउड है। गेम शुरू। अगर कोई इतने शोर में खेल सकता है तो वो नकामा ही है। हाँ, बीको और उसके साथ ही उनके कंसंट्रेशन के लिए ही तो मशहूर है। क्या तुम्हें लगता है तुम ये शोर हैंडल कर पाओगे शेख? हाँ, मैं कमाल के नए मूव पर काम कर रहा हूँ, उसे देखकर सुल्तान के फैंस ही की बात कहेंगे। नहीं, शेख ये कैसे कर लेता है। हाँ! और तुम अपनी सुना स्पिंजा, उनसे ज्यादा तेज नारे लगाना काफी मुश्किल होगा। तुम्हारे सामने एक सुपर फैन है बच्चे, हम जितना शोर कोई नहीं मचाता। मीको इस वक्त काफी अच्छे पोजीशन में। शेख चाहते हैं कि उनके पास और भी ज्यादा शोर मचाए। इससे ज्यादा शोर कैसे मुमकिन है। कुछ ज्यादा ही तेज आवाज है मैक। क्या कहा? बहुत हुआ, मैं मकान मालिक को बता रहा हूँ। यार, हमें तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मीको, आखिर वहाँ क्या हुआ दोस्त? हम तैयार थे पूरी तरह से, पर वो आवाज। Come on दोस्त, तुम तो पहले भी काफी बड़े बड़े स्टेडियम्स में खेल चुके हो। तुम नहीं समझ पाओगे जब तक कि तुम खुद वहाँ पर नहीं होगे। मैंने मीको को इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा है। इसीलिए तो हम उन फैंस से निपटने के लिए एक्स्ट्रा तैयारी करने वाले हैं। प्रोफेसर, तुम सबको आदत होगी उठाने की डंबल्स, पर आज तुम सबको काम चलाना होगा डेसिबल्स से। क्या? एग्जैक्टली, डेसिबल्स और वॉट्स दोनों आवाज को नापने के तरीके होते हैं। एक शोर मचाती भीड़ के सामने खेलने की सबसे पहली चुनौती है कम्युनिकेशन। मैंने फील्ड पर इस्तेमाल करने के लिए काफी सारे हाथ के इशारे बनाए हैं। तुम्हें सभी सीखने हैं। हाँ जरूर, या फिर तुम्हारे पंछी के दांत में दर्द है? शायद मुझे इन्हें सीखने में थोड़ा और वक्त लगेगा। ठीक है, सब ध्यान से सुनो, हमारा मिशन द गोलायत, 200 रेस्टोरेंट्स, 130 दुकानें, मूवी थिएटर्स, आर्केड्स, आइस रिंक्स, छोटा जू। जरा अंदाजा लगाओ हमें ये सब कुछ देखने में कितना वक्त लगेगा।
सुपर फ्रेंड। मैं बस सुल्तान वाले गेम के लिए इन्हें तैयार कर रहा था। हमें सुल्तान के फैन से 30 नारे लगाने पर ध्यान देना है, वहाँ घूमने पर नहीं, समझ गए? ठीक है दोस्तों, मैं कुछ कमाल के नए नारे लिख कर लाई हूँ, पर पहले वार्म अप्स। 1, 2, 3। ठीक है बॉयज, तुमने हाथ के इशारे सीख लिए हैं, मतलब तुम में से कुछ ने सिग्नल्स सीख लिए हैं। एक बहुत ही बड़ी भीड़ के सामने खेलने में दूसरी चुनौती है कि तुम शोर को कैसे हैंडल करते हो। कम ऑन कोच, फैंस के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबका कॉन्सेंट्रेशन तो बेमिसाल है। हम किस बारे में बात कर रहे थे? मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक ये वाला लेवल सुल्तान्स गोलायत स्टेडियम के शोर के बराबर है। सुल्तान्स, 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 का नया मूव। क्या गोलायत का बुरा माहौल एक नई टेक्निक आजमाने के लिए सही जगह है? चलो पता लगाएं। सुल्तान्स, 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 सुल्तान्स। ये क्या था? हम तो सैंड्रा तक को जगा नहीं पाए। फिर से, और इस बार थोड़े जोश के साथ। सुल्तान्स, 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 सुपर स्ट्राइकर्स, सुपर स्ट्राइकर्स, सुल्तान्स, 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 सुपर स्ट्राइकर्स, सुपर स्ट्राइकर्स, सुल्तान्स, 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 सुपर स्ट्राइकर्स, सुपर स्ट्राइकर्स, सुपर स्ट्राइकर्स। बच के रहना सुल्तान्स, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। अरे वाह वाह वाह, सुपर स्ट्राइकर्स, तुम्हारा स्वागत है गोलायत में। मुझे पूरा यकीन है तुम सब खो जाओगे यहाँ के माहौल में। खाना, कपड़े, एक्सेसरीज, सिनेमास, एक आइस रिंग, एक छोटा जू, गोलायत में तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। और तुम मेरे मेहमान होने के नाते इस सब का मजा ले सकते हो अपने पर्सनल गो पास से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेख, पर इस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पर है। तुमने उसे हमारे हाथ के इशारे सिखाए? ये स्टेडियम मकड़ियों से भरा हुआ है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, रहने दो। तो तुम्हें कैसा लगा ये गोलाया? डूड, मुझे तो यहीं रहना है, यहाँ करने के लिए कितना कुछ है। तो ये ऑल एक्सेस गो पास शायद तुम्हारे काम आए। मैं इस ताकतवर औजार का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए ही करूँगा, और शायद कुछ स्नैक्स के लिए। चलो हो जाए। गोलायत स्टेडियम में मैच का दिन आ गया। और एक बात कहनी पड़ेगी, सुपर स्ट्राइकर्स तो काफी जोश में लग रहे हैं। कहनी पड़ेगी, इस स्टेडियम में तो चिल्लाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलो सुल्तान फैंस को दिखाएं असली नारे क्या होते हैं। 1, 2, 3। सुपर स्ट्राइकर्स का है राज, पहनेंगे जीत का ताज, उड़ेगा दुश्मनों का चैन जब आएंगे सुपर फैंस। ओ गोपास, तुम जैसा कोई नहीं। अरे यार, मुझे गेम में जाना है, पर मैं 90 मिनट तक रोक नहीं पाऊंगा। हुँ?
चलो हो जाए। सुपर स्ट्राइक का शुरू से ही हावी होने की कोशिश में है और उनके सारे फैंस भी। हार मानने में तुम्हारी भलाई, कैप्टन ब्लास्टर करेंगे सबकी भलाई। सुल्तान कैप्टन ने पास किया टाइगर को। शेक के पास, उसका नाम है शेक, जो किक करता बॉल, गोलकीपर उसका होता है बुरा हाल। पता नहीं क्या हो गया, मेरा वो मूव तो परफेक्ट था। इतने सारे फैंस के सामने खेलना ट्रेनिंग में खेलने से अलग होता है। अगली बार कुछ सिंपल ट्राई करना शेख दोस्त। हाँ, बॉल उस प्लेयर को देना जिसमें हो परफेक्ट कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही कहा। अब आराम मिला। पर मैं कितना लेट हूँ, सुपर फैन बहुत नाराज होगी। मुझे तो लगा था ये हर जगह चलेगा। फैंस के सपोर्ट ने सुपर स्ट्राइकर्स के अटैक को तो नाकाम कर दिया। अब क्या वो सुल्तान को जीतने में मदद कर पाएंगे? शो के होते हुए ये मुश्किल है। चाहे जाओ ईस्ट या वेस्ट, हमारा शो है सबसे बेस्ट। वाह, सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस तो पूरे जोश में लग रहे हैं। लगता है जैसे फील्ड पर सुल्तान के पास एक बाबा खिलाड़ी हो। और ये हुआ है उस बाबा की बदौलत। हेलो हेलो, मुझे जाने दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ। इस जगह पर आना मना है, सबके लिए। हाँ, सबके लिए। गोपास और वापस मत आना कभी भी। वाह, फर्स्ट हाफ काफी दिलचस्प रहा है ना ब्रेंडा? हाँ, लगता है सबसे ज्यादा फैंस वाली टीम ही जीतेगी। मीको बिल्कुल सही था, यहाँ आने के बाद ही हम समझ पा रहे हैं कि उन पर क्या गुजरी होगी। पता नहीं दोस्तों, उस आवाज में कोई तो अजीब बात है। लग रहा है जैसे 150,000 नहीं बल्कि 1 करोड़ लोग हैं। हाँ, वो कहाँ छिपे हैं शेख, आइस रिंक में या फिर छोटे जू में? गो पासस। अभी मेरे पास वो गो पास नहीं है। गो पास के बिना किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अरे यार, हाफ टाइम, आखिर कहाँ थी तुम? कुछ कह नहीं सकता, कितनी लंबी जगह है, बड़े बड़े कॉरिडोर, ढेर सारी सॉफ्ट ड्रिंक। आई एम सॉरी, मैं अब तक एक अच्छा सुपर फैन नहीं बन पाया, पर वादा करता हूं मैं सेकंड हाफ में अपनी जान लगा दूंगा। हाँ? शेख? मेरे बैग में पुरानी दही रखी हुई है, जाकर खुजली वाला पाउडर ले आओ, पानी में तैरने जाओ, जाकर खाना खाओ। मैं समझ गया, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। गोपास का इस्तेमाल करके तहकीकात करो।
कम ऑन फ्रैंक, चलो हो जाए। स्पेंजा, रुक जाओ। तुम्हारे वादे का क्या हुआ? सुपर स्ट्राइकर्स को इस वक्त हमारी सख्त जरूरत है। फ्रैन, एक सुपर फैन वो नहीं जो काम करे सिर्फ यहाँ से या यहाँ से, बल्कि वो है जो काम कर दिखाए वहाँ पे। अच्छा ठीक है स्पेंजा जासूस, चलो तहकीकात करें। पर हमें उन चिड़चिड़े साइंटिस्ट से बचने का तरीका सोचना होगा। हो जाए। कुछ करो, उन्हें शक हो रहा है। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि A प्लस B इक्वल्स टू C होता है। हाँ, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। सेकेंड हाफ के लिए मशीन तैयार है, पावर ठीक है, एम्पलीफायर्स तैयार हो रहे हैं। क्या 150,000 फैंस काफी नहीं थे? जो शेख ने कुछ लाख डेसिबल्स और बढ़ा दिए, वो भी फील्ड के ठीक नीचे। तभी तो सुपर स्ट्राइकर्स वो आवाज हैंडल नहीं कर पा रहे। हमें कुछ भी करके इस मशीन को बंद करना होगा। और शायद मुझे पता है कैसे। तुम्हारा मतलब? चलो हो जाए, गेम फिर से शुरू होने वाला है। चलो देखें सुपर स्ट्राइकर सेकंड हाफ में अपना सिक्का जमा पाते हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता मैट, आज शुरू से सुपर स्ट्राइकर्स की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया था, अब उनके फैंस ने भी वही किया है। शेख, तुमने स्पेंजा से क्या कहा था? जो भी कहा था, मुझे नहीं लगता उसे हाथ के सिग्नल समझ आए थे। सेकंड हाफ शुरू हो गया है। ना मूव्स और ना ही उनके फैंस, सुपर स्ट्राइकर्स के लिए अब इससे बदतर और क्या हो सकता है? सिग्नल मिल गया, चलो शुरू करें साथियों। सुपर फैंस, अपना कमाल दिखाओ। शायद सब सुपर लीग टीम्स को अपने लिए एक बड़ा स्टेडियम बनाना चाहिए मैच। हे मिस्टर साइंटिस्ट, तुम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ पर आना मना है। जब तक हम वो मशीन बंद ना कर दे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा डेसिबल जनरेटर बना है टाइटेनियम एलॉय से। टाइटेनियम, इसे तोड़ना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं, पर हम जानते हैं इसकी एक कमजोरी। हर मशीन की कमजोरी। सुपरमैन, 1, 2, 3 का शोर, वो जैसे गायब हो गया। सही कहा, ऐसा क्या हुआ? वो हुआ, सुपर स्ट्राइकर्स का है राज, पहनेंगे जीत का ताज, उड़ेगा दुश्मनों का जय जब आएंगे सुपर। वो हाथ का सिग्नल तो मैं भी जानता हूँ। चलो
साथियों, ये गेम फैंस के लिए जीतते हैं। अब असली नारा हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं फैंस। 1, 2, 3, 4। याद रहे शेख, कॉन्सेंट जाने दो, तुम बस गोल करो। पहला गोल, दूसरा गोल, तीसरा गोल। सुपर स्ट्राइकर्स ने कमाल कर दिया। देखो सुपर स्ट्राइकर्स अपने फैंस को कितना सम्मान दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अब हमें कुछ कहना चाहिए। 1, 2, 3 सुपर फैंस। अपनी अपनी किस्मत। हाँ, मैंने सुना कि आपने काफी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी। अफसोस, वो फुस हो गई। शुक्रिया, और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है शेख। ये क्या है? तुम्हारा गोपास बिल। ओके, मेरी बस जा रही है, चलता हूँ। क्या, आखिर किसने खरीदे 130 सॉफ्ट ड्रिंक्स? उड़ गया दुश्मनों का चैन कमा।